और अब सीधे रुख करेंगे बलरामपुर की ओर, जहां गौधन न्याय योजना के हितग्राहियों को एक बड़ी सौगात दे रहे हैं सीएम भूपेश। स्वीकृत हो चुके हैं और 1238 निर्माणाधीन है और 331 प्रारंभ है सर। आवर्ती चराई में 1486 स्वीकृत में से 907 निर्मित है और 492 निर्माणाधीन है सर। इस प्रकार कुल 10624 स्वीकृत में से 8401 निर्मित हो चुके हैं, 1789 निर्माणाधीन है और 444 अप्रारंभ है। विगत एक माह में सर 35 गोठान निर्मित हुए हैं। सामान्यतः सर हमारे 100 से 150-200 गोठान हर माह निर्मित हो रहे थे, लेकिन क्योंकि ज्यादातर इसमें सर मनरेगा से ही स्वीकृत होते हैं, उनकी कुछ समस्याएं अभी चल रही हैं सर, इसके चलते ये थोड़ा सा ये इस बार अभी अप्रैल माह में ये धीमा हुआ है। गोठानों में जो प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना कर रहे हैं सर, उसमें 161 तेल मिल में से। तो ये तस्वीरें बलरामपुर से, जहां गौधन न्याय योजना के हितग्राहियों को एक बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी जा रही है। दाल मिल में से 91 दाल मिल स्थापित हो चुका है, शेष को सर इसी एक दो माह में इसको स्थापित करने का लक्ष्य सर। वर्मी टांका में भी सर स्वीकृत 98,872 में से 79,733 पूर्ण हो चुके हैं, 5,787 सर पूर्ण अभी प्रगतिरत है और 3,439 अभी अप्रारंभ है सर। इनमें भी सर ये क्योंकि सभी अधिकांश जो हैं ये मनरेगा से स्वीकृत हैं, इन जो विभागों द्वारा और किसानों के माध्यम से जो वर्मी कंपोस्ट का डाटा देखेंगे सर 15 अप्रैल और 30 अप्रैल की स्थिति में जो मुख्य सर वृद्धि हुई है वो फसल ऋण के अंतर्गत हुई है सर, जिसमें पहले 4,42,000 विक्रय हुआ था जो बढ़ के 5,16,000, तो 15 दिनों में ही लगभग ये सर 70 से 74 हजार हुआ है और टोटल जो एक माह का डाटा है सर 1,40,000 क्विंटल से ऊपर की बिक्री अभी हो चुकी है, जो जिसका अभी राशि भी जा रहा है सर। इसमें जिलेवार भी स्थिति सर, जिलों को जो हमने लक्ष्य दिया था उसका टोटल जो अभी वितरण हो चुका है 5। चलिए एक बार फिर हम रुक करेंगे बलरामपुर की ओर, जहां सीएम भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। मजदूर से, महिला स्व सहायता समूह से, उन्हें स्कूल में टीचर मन से, पढ़िया छात्र छात्रा मन से, पीटीएस दुकान में जाके अमर हितग्राही मन से मुलाकात करे काम निरंतर चला था। अग्रे साथ आम जनता से जब भेंट मुलाकात हो थे, किसान मन से भेंट मुलाकात होते, उन्हें अधिकारी मन ला भी आवश्यक निर्देश दिए जाते। आज 43वीं किस्त जारी किए गए हैं, जिन 10,70,00,000 रुपये की राशि आज जारी किए गए हैं। और यूँ बताया गया है कि हमारे 3,000 से अधिक जन स्व सहायता समूह गठान समिति है वो स्वावलंबी हो चुके हैं। ये बहुत खुशी की बात है, कोई भी योजना के दूसरा साल में ही यदि गौठान समिति में स्वावलंबी हो थे, एक से बड़े बात दूसर नहीं हो सका। और एक माध्यम से जहां गोबर खरीदी में 2,34,00,000 रुपया, स्व सहायता समूह 3,32,00,000 रुपया और गौठान समिति 5,04,00,000 रुपया राशि शामिल हो, अभी तक के 69,28,000 क्विंटल गोबर की खरीदी करके 138,56,00,000 रुपये के भुगतान किए जा चुके हैं। स्व सहायता समूह और गौठान समिति अभी तक के कुल मिला के 98,55,00,000 रुपया के भुगतान किए जा चुके हैं। एक बार आप लोग बधाई। और 10,622 गौठान समिति स्वीकृत हो गए, 8,397 निर्माण होके सक्रिय है। तो एक बार ओकरे साथ साथ वर्मी कंपोस्ट के उठाव के बारे में हमारे कृषि मंत्री जी और हमारे एपीसी साहब आप लोग जानकारी दी, हम लोग वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होकर करना है। अभी 3 मई के अक्ति तिहार मनाएं, माटी पूजा के कार्यक्रम करें, पूजा करथन छत्तीसगढ़ माता की पूजा करथन, तो धरती माता की जब पूजा करथन तो उसका स्वास्थ्य भी हमारा ध्यान रखना है। जैसे
गठान बना के गौ माता का हम सेवा करत हन, उही प्रकार से माटी पूजन करके हमन धरती माता के भी को स्वास्थ्य का हमारा ध्यान रखना है। ये वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद है जिन्हें निश्चित रूप से रासायनिक खाद और रासायनिक दवाई के बदले में प्रयोग करना है, और रासायनिक खाद के जगह में वर्मी कंपोस्ट और रासायनिक दवाई के बदले में अब गौमूत्र से बहुत अपन दवाई भी बनाओ जो छिड़काव फसल में किया जाए। ये दोनों के माध्यम से